सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं अपनी तरफ हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑन पैसिव के बारे में जानकारी और ऑन पैसिव के बारे में हमारे पास हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी बताएं। वेलकम अमर सर। धन्यवाद। मैं पहले आज कुछ नए लोग एडवाइजर भी हूँ, तो ये जो जितना भी जो स्कीमें आती हैं उनको मैं अच्छी तरह से एनालिसिस कर लेता हूँ कि भाई कौन सा स्कीम आपको सूट रहेगा कौन सा नहीं। तो चलिए आज तो ऑन पैसिव की ही बात बेचना पड़ेगा हमारे को, तो आज मैं थोड़ा सा पहले इसको कवर कर लूँ और बीच में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैं कंपनी के बारे में बता दूँ, ये कंपनी का नाम ऑन पैसिव है। ऑन पैसिव मतलब पैसिव का मतलब होता है, एक होता है ना, आप स्कूल में पढ़े होंगे एक्टिव पैसिव। आप एक एक्टिव होता है एक पैसिव होता है। जैसे जब आप सोते हैं ना तो हमारी एक्टिविटी बिल्कुल शांत रहती, तो हम पैसिव अवस्था को कुछ ना करते हुए भी आपका बिजनेस चलेगा, आपको कुछ भी नहीं कम से ही जाहिर होता है कि आपको पैसा आएगा। अब जो दिन को प्रश्न आया था उसको मैं थोड़ा इलेबोरेट उसको जरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आज तक हमने ना जो कंपनीज की हैं वो की हमने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ज्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या होता है कि पहले तो जिस कंपनी में हम जुड़ते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन मन में पैदा होते हैं कि भाई जो मैं इसमें पैसा लगा रहा हूं क्या वो ग्रंटेड है, नंबर वन। नंबर दो, जो यहाँ आशा जताई गई है कि इतना इतना पैसा इसमें आएगा क्या उसकी भी कोई गारंटी है, ये भी हमारे मन में प्रश्न आता है। तीसरा प्रश्न आता है कि यार जो प्रोडक्ट तो ठीक है, मैं कहाँ चला जाऊंगा जोड़ा उठा के, अगर मैं चला भी गया जब तक प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं तो मैं उन्हें बेचूंगा कैसे, ये तीसरा प्रश्न आता है। चौथा प्रश्न जो इसमें सबसे बड़ा जो प्रश्न मुश्किल है, लोग हमेशा ही कहते हैं कि सर आदमी को जोड़ना मेरे बस का नहीं है, मैं किसी आदमी के साथ बात नहीं कर सकता। यही चार पांच तकलीफें रहती हैं जो कि आज तक हमने हर कंपनी में की है। हर कंपनी ने हमको कईयों ने धोखा दिया है और थोड़ा सा पैसा कमा के जितना हमको सपने दिखाए गए थे वो हमारे कभी पूरे नहीं हुए। अब ऑन पैसिव क्या है? नंबर वन तो मैं ये कहूंगा, क्या आपको इसके बारे में कंप्यूटर को जानना आवश्यक है? आपके गांव में कोई ऐसा भी बुजुर्ग होगा जिसने आज तक फोन स्मार्टफोन देखा ही नहीं और सिर्फ उसने छोटा सा फोन लिया जिससे वो बातचीत सुन सकता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आजकल फोन किसी के पास नहीं है। मानो किसी के पास नहीं भी है, कुछ भी नहीं है, फोन भी नहीं है, अब क्या उस वो आदमी ऑन पैसिव कर सकता है? जी हाँ, ऑन पैसिव ऐसे ही आदमी को ध्यान में रख के बनाई गई है कि जिसको कुछ भी नहीं आता, बिजनेस का एबीसी नहीं आता, कंप्यूटर का एबीसी नहीं आता, मोबाइल का एबीसी नहीं आता, उनको ध्यान में रखते हुए ये जो ऑन पैसिव कंपनी बनाई गई है उनका ध्यान रखा गया है। अब मैं पहली बात की कि भाई जो आप 9,680 रुपये देते हैं इस कंपनी में एज फाउंडर जुड़ने के लिए, क्या वो ग्रंटेड है? जी हाँ, इस कंपनी में उसकी बिल्कुल गारंटी है। अगर किसी को 9,680 रुपये देने के बाद ऐसा लगता हो कि वो गलत फंस गया, वो अप्लाई कर सकता है जो उसको पोर्टल दिया है उसमें, आप इसमें स्पोर्ट में टिकट रेज कर सकता है और 3 दिन के भीतर उसका 9,680 रुपया उसके सेविंग अकाउंट में वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरी रही, जो वो 20,000 लगाएगा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, क्या उसकी भी गारंटी है? जी हाँ, आप देने के बाद ये सोचते हैं कि मैं भाई ये 20,000 भी अपने नहीं देना चाह रहा हूं, मैं नहीं लगना चाह रहा हूं, आपको 9,600 भी वापस मिलेगा और आपको 20,000 भी वापस मिलेगा।
तीसरी बात, यहाँ जो हम ये कह रहे हैं कि भाई आपको सिर्फ इस सिस्टम के साथ जुड़ना है, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो तो भी क्या आपको करोड़ों रुपए इनकम आएगी? जी हाँ, यहाँ उन करोड़ों रुपए की भी गारंटी है। आप इसके पोर्टल में पढ़ेंगे, क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ आर्थिक संपन्नता आपके और आपके परिवार के लिए गारंटीड है। दो गारंटियां क्लियर होगी। तीसरा यहाँ आता है कि भाई मैं तो बात ही नहीं कर सकता, मैं टीम कैसे बनाऊंगा? तो आपको बड़ी खुशी की बात होगी, यहाँ आपको टीम बनानी ही नहीं है, यहाँ जो टीम आपके नीचे बनाएगा अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जब आप ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं ना, तो किसी शहर का आपको पता नहीं हो, आप उसमें गूगल मैप ऑन कर लेते हैं तो एक लेडी बोलती रहती है कि 500 गज के पास आपको लेफ्ट घूमना है, ये राइट घूमना है, और इस तरीके से आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जो कि आपने आज तक नहीं भी देखी हो। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यहां भी आपके नीचे पूरा पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कब आपके नीचे 3 आदमी लगाने हैं, कब आपके नीचे 9 आदमी लगाने हैं, कब आपके नीचे 27 आदमी लगाने हैं। आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, टीम आपके नीचे पूरी अपने आप ही लग जाएगी जो आपके नीचे बिजनेस करेगी, ठीक है ना? परंतु अब बिजनेस के लिए सब कोई चाहता है कि मेरे को जल्दी से पैसा उठे। अगर आप ये चाहते हैं तो जिसमें लियाकत है टीम बनाने की, बहुत सारों में है, ये तो ट्राई करने की बात है। अगर आप टीम जोड़ते हैं तो आपको, जैसे आप अकेले हैं तो 3 आदमी मिलेंगे, पहले आपने पहले ही 10 आदमी जोड़े हैं तो आपको यहाँ से 30 आदमी मिलेंगे पहले ही महीने, आपकी ज्यादा इनकम पहले ही महीने उठेगी। सिर्फ इतना सा फर्क, बिल्कुल आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। यहाँ आप जो पैसा देते हैं उसकी गारंटी है, आपको जो पैसा मिलने के लिए स्कीम बताई जाती है करोड़ों रुपए मिले, उसकी आपको इकोनॉमिक फ्रीडम की गारंटी है, आपके और आपके परिवार की आर्थिक संबंधता यहाँ पे गारंटीड है। यहाँ पे तीसरी बात जो है वो आपको, ये जो टीम नहीं आपने बनानी है, आपके नीचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम बनाएगी। चौथी बात रही प्रोडक्ट की, सबसे बड़ा वो होता है तकलीफ, जब हम जैसे इसमें जुड़ते थे प्रोडक्ट वाली कंपनी में, एक जोड़े में प्रोडक्ट लेते थे, गांव गांव जाते थे, फिर उन प्रोडक्ट का पहले तो तारीफ करनी पड़ती थी, इस प्रोडक्ट की ये तारीफ है, इस प्रोडक्ट की ये तारीफ है, इस प्रोडक्ट की ये तारीफ है। कि भाई आपको बड़ी खुशी की खबर है, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि वो भी इस बिजनेस को कर सकता है जो बिल्कुल अनपढ़ उसको मोबाइल भी चलाना नहीं आता हो। यहाँ आपको प्रोडक्ट के गुण और दोष बताने ही नहीं है किसी को, क्योंकि यहाँ आपके नीचे जो ज्वाइन करेगा उसके जो प्रोडक्ट चलाएगा या बेचेगा या उसको देगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देगी, आपने तो प्रोडक्ट का कुछ बताना ही नहीं है। अब रही बात की प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे यहाँ कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट है। अब डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था ओ कनेक्ट, जैसे अभी हम जिस पे मीटिंग कर रहे हैं जूम पे, ये भी डिजिटल प्रोडक्ट है। अब ये तो आपको नहीं बताना पड़ता ना कहीं कि डिजिटल प्रोडक्ट, आपको तो ये बताना पड़ता है भाई ले लिंक, यहाँ जुड़ जाना और मेरे साथ फेस टू फेस बात कर लेना, इतने से तो काम है। और जुड़ना तो सबको आता है, अगर किसी को नहीं भी आता तो बहुत सारे लोग आज गांव में भी, इंटीरियर गांव में भी बताने वाले, भाई ऐसा जुड़ जाता है इसमें। और दूसरा जैसे मेल है, आपको ईमेल आप देखते हैं किसी के पास होती नहीं है, मेरे पास 15 कस्टमर ऐसे हैं जिनके पास इंटीरियर गांव में फोन ही नहीं है, ईमेल तो है ही नहीं है, ईमेल मैंने उनकी खुद बनाई। जो नहीं आता किसी को तो आप बना लो ज्वाइन करने के लिए, एक बारी तो बना नहीं है। मेरा मतलब कहने का, यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ओ कनेक्ट के बारे में मैंने आपको कल बताया, जो कि हमारा जूम की तरह है, सस्ता इतना है कि यहाँ पे जूम में अगर आपने 10,000 की मीटिंग करनी हो तो यहाँ आज मैंने रिवाइज रेट देखे, $6,800 लगते हैं।
ठीक है ना, मंथली सब्सक्रिप्शन, परंतु हमारे यहाँ 10,000 तक की मीटिंग फ्री है। और वैसे ही हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हमारे प्रोडक्ट की एक खासियत मिलेगी आपको, हमारे प्रोडक्ट ओ से शुरू होते हैं। क्यों, हम क्या करते हैं, जब कोई बड़ी हैरानी वाली चीज देखी ना, हमारे मुंह से अपने आप ही निकलता है ओ, निकलता है ना कि ओ, मतलब ऐसा है ये, हम सोचते हैं, हमारा दिमाग ओ बोलने को हमको मजबूर करता है। तो इसलिए यहाँ जो भी प्रोडक्ट का नाम शुरू होता है वो ओ से ही होता है, ओ कनेक्ट। उसके बाद में बताऊँ आपका ओ मेल, जैसा जी मेल है वैसी हमारी अपनी जी ओ मेल आएगी, और आप जी मेल को ना करके अपनी मेल को यूटिलाइज करेंगे, उसमें आपको ज्यादा फीचर मिलेंगे। तीसरा आपका ओ चैट, जैसे व्हाट्सएप है ना, अभी वो भी डिजिटल प्रोडक्ट है, यहाँ पे ओ चैट होगा। अब व्हाट्सएप सीखने को आपको बेचना थोड़ी पड़ता है, आपको चाहिए ना, आपको तो सारे प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे मिलेंगे भाई, यहाँ तो वेबसाइट भी आपको बनी बनाई मिलेगी, जिस पे आपके लोग दिखेंगे आपको लगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है टोटल डिजिटल प्रोडक्ट है, मंथली रेंट पे मिलने वाले हैं, जिसमें आपने सिर्फ एक बारी ही जेब से पैसा देना है। तो बाकी तो बहुत सारे हैं, ओ एकेडमी है, मतलब मैं बताता हूँ आपको, ओ ट्रैकर है, ओ स्टाफ है, बहुत। जैसे ओ ट्रैकर है, ओ ट्रैकर क्या है कि एक नंबर होता है, उस नंबर से ही जैसे पुलिस वाले ट्रैक करते हैं कि फलाने टाइम ये मिलने वाला है, आप खुद भी पता कर पाएंगे कि ये फोन जो है वो अभी कहाँ बज रहा है, आप खुद ही कर लेंगे, वो प्रोडक्ट भी आपको मिलने वाला है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं जो कि आप खुद भी इस्तेमाल करेंगे और आपके नीचे जो लोग जुड़ेंगे वो भी इस्तेमाल करेंगे। इसलिए बिल्कुल भूल जाओ कि भाई आपका पैसा यहाँ सेफ है, बिल्कुल सेफ है, गारंटीड है आपको जो मिलेगा पैसा, टीम यहाँ कोई बनानी नहीं पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगी, प्रोडक्ट आपको बेचने नहीं पड़ेंगे, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट बनाएगी, प्रोडक्ट के बारे में आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही सीख जाएंगे। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कौन सा मिलेगा जहाँ सब चीजें आपकी फेवर में है। तो इसलिए जो नए आदमी जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल अपने दिमाग से निकालो कि यहाँ कुछ काम करना पड़ेगा, यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी जो वो हैंड फ्री टेक्नोलॉजी है, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में मेरे ख्याल है इससे ज्यादा क्लैरिटी की हमें बताने की जरूरत नहीं है, और अभी तो टाइम है। अच्छा, दूसरी जो बात मैं आज करने जा रहा हूं, जो कंपनीज होती हैं, ये अब कैसे जज किया जाता है कि ये कंपनी का लेवल क्या है। तो 2013 में एक वेंचर कैपिटलिस्ट थे, उनका पूरा नाम था एलियन ली, उन्होंने 2013 में कैटेगरीज बना दी कंपनीज की, एक बनाई यूनिकॉर्न कंपनी और दूसरे का नाम दिया उन्होंने सुपर यूनिकॉर्न कंपनी। उससे पहचाना जाता है कि ये कंपनी की हैसियत क्या है, ये कंपनी कितनी बड़ी है, और चलो इसी मापदंड से हम कुछ कंपनियों को आज कंपेयर करते हैं और अपनी कंपनी को भी ऑन पैसिव को रख के ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेरी कंपनी जो है जिसमें मैं काम करने जा रहा हूं वो कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब यूनिकॉर्न कंपनी क्या है, जैसे आज मैंने स्टार्ट की कंपनी, जिस दिन मेरी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ डॉलर, सॉरी 1 करोड़ डॉलर हो जाएगा, मतलब 8,000 करोड़ रुपए, जब मेरी कंपनी का टर्नओवर या मेरी कंपनी की वैल्यूएशन होगी तो मुझे यूनिकॉर्न का खिताब मिलेगा। और अब आईटी, क्योंकि हमारी कंपनी तो आईटी सेक्टर की है, एमएलएम कंपनी तो नहीं है, चलो ऐसी ही आईटी सेक्टर्स की और कंपनियों को हम देखते हैं कि कब कब कितने साल के बाद शुरू करने के बाद उनको ये यूनिकॉर्न का खिताब मिला था।
अब आपको हम बताएं इंटेल कंपनी, इंटेल जिसकी चिप आपके हर कंप्यूटर पे लगती है, उसको 16 साल लगे यूनिकॉर्न बनने को, 16 साल। हमारी तरह आईटी कंपनी वो भी है। अब दूसरी है एप्पल, जिसके फोन बनते हैं, आपने देखा होगा कंप्यूटर है, बहुत कुछ चीजें उसकी, अमेरिका की कंपनी है, उसको 8 साल लगे यूनिकॉर्न बनने को, मतलब 8,000 करोड़ पहुंचने को उसको 8 साल लगे जब से शुरू हुई। और इसके बाद फेसबुक, बहुत सारा नाम सुनते हैं आप, उस कंपनी को भी 6 साल लगे यूनिकॉर्न बनने को, मतलब 8,000 करोड़ लेवल पहुंचने के लिए उसको, बिजनेस लेवल, उसको 6 साल लगे। गूगल, बहुत तारीफ सुनते हैं आप गूगल की, गूगल सब कोई जानता है कि गूगल क्या है, इस कंपनी को भी 5 साल लगे यूनिकॉर्न बनने को, 5 साल। और माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट में आपको पता है जिसकी विंडो है और आपके ऑफिस है, सब कंप्यूटरों में लगता है ये। इतनी महान कंपनियों को जिसकी पूरे जो वर्ल्ड के कंप्यूटर्स में उनकी विंडो यूज होती है, ठीक है, उस कंपनी को भी 5 साल लगे यूनिकॉर्न बनने को। अब रही हमारी कंपनी की बात, हमारी कंपनी की वैल्यूएशन आज की तारीख से $3.5 बिलियन, 24,000 करोड़ की मालियत मारी अभी है, अभी जो कंपनी लॉन्च भी नहीं हुई है। तो जिस दिन एक कंपनी लॉन्च होगी उसी दिन ये यूनिकॉर्न बनेगी, और जितने भी फेसबुक गूगल वगैरह से टॉप पे जाएगी, विश्व रिकॉर्ड में आएगी कि ये यूनिकॉर्न कंपनी पहले दिन में बनी या विदिन 2 महीने में बनी, 1 महीने में बनी, जो भी आपके सामने आएगा, आपके सामने इतना बड़ा इवेंट होने वाला है। दूसरी कंपनी होती है सुपर यूनिकॉर्न। सुपर यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जो कि अपना बिजनेस शुरू करने के बाद 8 लाख करोड़ होता है, मतलब $100 बिलियन, 8 लाख करोड़ का जब बिजनेस हो जाता है तब उसकी, उस कंपनी का जो खिताब है सुपर यूनिकॉर्न हो जाता है। और हमारी कंपनी ऑन पैसिव अभी से ही फोरकास्ट है, जैसे अभी तक सिर्फ फेसबुक सुपर यूनिकॉर्न कंपनी है आईटी सेक्टर में, वर्ल्ड लेवल की, सिर्फ फेसबुक, ठीक है ना। और इस मतलब गूगल भी अभी तक जो है वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बनी है। और मजेदार बात यह है, अब फेसबुक को 6 साल लगे हैं कितने बनने को, यूनिकॉर्न बनने को, उसके बाद सुपर यूनिकॉर्न बनने को, इसको ये कह रहा था सिर्फ फेसबुक अभी सुपर यूनिकॉर्न कंपनी है। आप देखेंगे भविष्य में आप सुपर यूनिकॉर्न कंपनी ऑन पैसिव जो है विद इन इस मतलब सिर्फ 2 साल में या 2.5 सालों में सुपर यूनिकॉर्न बनने वाली है। आप ध्यान रखिएगा, दोबारा सुनिएगा, 2 से 2.5 साल के बीच में सुपर यूनिकॉर्न बनने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एस्ट मुफरज कह रहे हैं, जो इस कंपनी के सीईओ है, जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, बड़े बड़े एनालिस्ट आज ये बोल रहे हैं कि भाई ये कंपनी सुपर यूनिकॉर्न 2.5 सालों में बनने वाली है। सिर्फ ऐश मुफराजी नहीं बोल रहे हैं, जो वर्ल्ड लेवल के एनालिस्ट होते हैं उनका एनालिसिस है ये किसी छोटे मोटे का एनालिसिस नहीं है या गप नहीं हंकी गई है कि हमारी ये जो कंपनी आपके सुपर यूनिकॉर्न बनेंगी। और आप ऐसी सुपर यूनिकॉर्न कंपनी के जिसका 8 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है, आप उसके मालिक बनने चाह रहे हैं, जा रहे हैं, अगर आपने, क्योंकि अब तो 1 महीना रह गया मालिक बनने के लिए, मैं फिर क्लियर बोल रहा हूं, जिसको जोड़ना आपने जोड़िए, अनपढ़ जोड़िए, गुट्ठा मार्कों को जोड़िए, किसी ने कुछ करना ही नहीं है भाई, डरते क्यों हो। सिर्फ उसके पास 9,086 रुपये होने चाहिए अभी, और
जब प्रोडक्ट आपको, जब कंपनी के साथ आपको वेबसाइट बनेंगी, अरे आपके पास छोटा सा मोबाइल है जिससे आप फोन सुनते हैं, आप उस वेबसाइट को देखने की भी जरूरत नहीं है, तब भी आपको सोते बैठते बगैर देखे कंप्यूटर के पैसा आता रहेगा। इतना हर कोई सीख जाता है कि पैसे को मैंने डॉलर को इंडियन रुपी में कैसे बदलना है। उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है ओ वॉलेट। ओ वॉलेट में आपका जो पैसा आएगा उसको सिर्फ आपने एक स्विच दबाना है, जो जिस अकाउंट में आपका दिया है उस अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा। और बाद बाद में तो ऐसा होने वाला है, आपका एक पैटर्न है जो विड्रॉ करने का है कि अभी पैसा आया अभी विड्रॉ किया या 10 दिन के बाद विड्रॉ किया, वो जो पैटर्न आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रही है। और एक टाइम आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हैबिट है आपकी विड्रॉ करने की, ऑटोमेटिकली वो वॉलेट से आपके बैंक खाते में खुद ही डाल देगी पैसा। अरे भाई, जब इतना बड़ा फैसिलिटेटेड प्लेटफॉर्म है तो इसमें चिंता किस बात की है? आज आज से आप चिंता मुक्त हो जाइए खुद भी, और उन लोगों को बोलिए अरे इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। ऐसी कंपनी आज तक ना तो आई ना भविष्य। और इतनी बड़ी कंपनी के जब आप फाउंडर बनेंगे और जब आप 20 लोगों को अपने साथ करोड़पति बनाएंगे, वो आपके पांव धोएंगे। इतना महान कार्य है ये। ये मिशन है, मिशन में जुड़िए, मिशन को बढ़ाइए। हिमाचल में बहुत गरीबी है, गरीब लोगों को इसके साथ जुड़िए। कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, चाहे वो स्कूल गया है नहीं गया है, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी के साथ ही धन्यवाद करूंगा मैं, क्योंकि अब सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट में थोड़े रह गए हैं। तो बाकी कोई दूसरा करना चाह रहा है तो करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें। क्वेश्चन तो आई बिलीव हमारे सेमिनार में होते ही नहीं है ना? इतना परफेक्ट करते हैं सर कि क्वेश्चन की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। पर जो जोश है वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, और उसके लिए आई बिलीव हमें हमारे जो एफर्ट है अंबिका रॉय हम मैम का अभी। क्वेश्चन है, हाँ आपको म्यूट ओके ओके किया हेलो ओके ओके जी, बोलिए हेलो जी। जी नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं आसाम से बोल रहा हूँ सर। आसाम से। वेरी गुड वेरी गुड। वेलकम वेलकम। सर मैं भी इसमें ज्वाइन किया हूँ सर। तो मैं कोई यूट्यूब लाइन में जो ज्वाइन किया, तो सर मैं ओके। बहुत दिन से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम में परेशान हूँ, किसी से क्लियर कर नहीं पा रहा सर। हाँ हाँ बोलिए, क्या तो प्रॉब्लम है? सर मेरे टीम में 50-60 आदमी जो रखा है मेरे नीचे। हाँ तो हाँ मेरे तो हाँ उम्मीद नहीं था, जैसे मेरे कोई दोस्त को बोलो, रिश्तेदार को बोलो, जो विश्वास कर लेता है, अच्छा लगता है, ज्वाइन कर लेता है, ऐसे ऐसे हो गया। तो सर हाँ इसमें क्या हुआ, 2 आईडी तो ऐसे है, दूसरे के कोई भड़का में आया होगा, ऐसा भी हाँ आदमी होता है ना, ये है वो सो है करके बाद में उसको मैं ज्वाइन कराया, मेरे अकाउंट का खुद का पैसा देके बाद में दे देगा, बाद में किसी के भड़काव में आके बोला मैं नहीं करना है, मेरा कैंसिल करा दो। तो ओके। फिर मैं सोचा क्या कैंसिल करूं, तो उस तरीका भी मैं ढंग से पता नहीं था, तो सोच हाँ लूं मैं देखिए, अपने देखिए अपने आईडी में रख देता हूं, तो कंपनी लॉन्च हो जाएगा, तो एक आईडी ज्यादा होगा तो मेरे फायदा उसमें आ जाएगा, हो सके उसके नीचे मैं आदमी ज्वाइन करूं। लेकिन सर उस आईडी को मेरे पास ही रख दिया, 2 आईडी ऐसा हुआ मेरा। तो देखिए उसमें देखिए मैं, हाँ तो उसमें मेरा नाम, मेरा सिग्नेचर जो एनडीए में जाके छापुन में जाके चेंज करते हैं ना सर, वो हाँ कार्रवाई में कर दिया। तो ओके। सर लेकिन जो उसका सिग्नेचर भी चेंज हो गया, मेरा नाम भी चेंज हो गया, मोबाइल नंबर भी चेंज हो गया, लेकिन सर ठीक जो है। जीमेल जीमेल है ना सर, वो जीमेल जो हाँ है वो हाँ तो उसी बंदा का ही चल रहा है, वो कैसे चेंज करना है,
चेंज हो सकता है कि नहीं हो आप ऐसा सकता है? करिए, आप ऐसा करिए, हाँ सर, स्पोर्ट में टिकट रेज करिए, स्पोर्ट में जाइए, हाँ सर, हाँ हाँ टिकट रेज करिए, हाँ सर, टिकट में आप उसमें मैटर लिख दीजिए हाँ कि मेरा ईमेल, इस ईमेल, वो ईमेल आप लिख दो जो पुरानी ईमेल है, हाँ, जो जिस बंदर का है ना सर, जिस नंबर पर, जिसके में अंडर में, हाँ 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 हाँ, आपने ये लिखना है, काइंडली चेंज माई ईमेल फ्रॉम दिस ईमेल टू दिस ईमेल, हाँ हाँ ओल्ड ईमेल टू न्यू ईमेल, हाँ, नहीं आपको हाँ हाँ ओल्ड ईमेल भी देना पड़ेगा, न्यू ईमेल भी देना पड़ेगा, ठीक हाँ 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 सर, हाँ कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, कल मिलेंगे, कल नई जानकारी के साथ मिलेंगे, नए जोश के साथ मिलेंगे।